सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनाज डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी धनितर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। और इस धनितर जड़ी बूटी विद्या में आज हम आपको एक विशेष प्रकार से पेड़ की लाभकारी गुण को बताएंगे। तो चलिए ज्यादा देर तक बात न करते हुए मैं वीडियो को प्रारंभ करूंगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे लिंगो टीवी जंगो मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे कलमी, जिसको करमदार भी बोलते हैं। तो उस कलमी का एक पेड़ होता है और कलमी का पेड़ इस टाइप का होता है। देख लीजिए, ये बड़ा सा पेड़ है, इसका पत्ती हृदय नुमा यानी बंगला पत्ती जैसा इसका पत्ती होता है, ये देखिए। और तो इसका उपयोग, तो मैं अभी आपको सर्वप्रथम इसका छाल का उपयोग बताऊंगा। इसका छाल का उपयोग हमारे धनितर जड़ी बूटी विद्या में कमजोरी, खून की कमी, रस धातु की कमी, रक्तचाप और इसी प्रकार से मोटापा की कमी है, तो कई प्रकार से इनके उपयोग बीमारियों में किया जाता है। अगर शरीर में रस धातु की कमी है, मोटापा की कमी है, चर्बी की कमी है, उसको मोटा करना है, या फिर खून की कमी है, तो इसका छाली का उपयोग किया जाता है। इसके छाली को ले जाइए और उसको चूर्ण बना के काट के कूट के खलबट्टा में कूट के चूर्ण बना लीजिए और नित प्रति एक चम्मच चूर्ण को आप गर्म पानी में उबाल के पीजिए, तो ये आपको लाभकारी देगा। और इसको सुबह खाली पेट में नित प्रति पीजिए। तो इस प्रकार से इस कलमी का पेड़ का छाल का उपयोग। दूसरी बात, इसका जो ये देखिए, इसके जो पत्ती में ये होता है, ये छोटा छोटा, तो इसका उपयोग अधिकतर हमारे लोग सर्प दंश वगैरह में भी इसका उपयोग करते हैं। किसी को अगर सर्प दंश दिया तो इसको विष पाचक के रूप में, विष निवारण के रूप में इसको आप पीस लीजिए, एक दो इसके पत्ती के ऊपर वाले कोने को, और पीस के आप उसको सर्प दंश है किसी को उसको पिला दीजिए, तो ये सर्प का जहर को पचाने में भी इसका उपयोग होता है। दूसरी बात, इसका फल होता है काला काला, इतना बड़ा बड़ा फल, अभी फला नहीं है ना, अभी इस पेड़ फला नहीं है, पे कई पेड़ फला होगा भी। तो फल जो होता है, इसका फल जो दौगन के जो धार को विद्या में मोहनी के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसके फल को आप ले जाइए, पीस के उसको जगा लीजिए और किसी के बारे में आकर्षण शक्ति वशीकरण की जो विद्या में इसके फल को चूर्ण को आप खिला दीजिए, लगाने वाले तेल में मिला दीजिए, तो इसका जो फल का उपयोग मोहनी में किया जाता है, वशीकरण में किया जाता है। इस प्रकार से हमारी इस कलमी का एक लाभकारी, प्रभावशाली एक इनका गुण है, इसको आप अपने जीवन में उपयोग करें। और आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप सभी से सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश।